संसदीय बोर्ड के साथ काम करेंगे तो पार्टी देश में मजबूत होगी, बिहार में नहीं मजबूत होगी। अब से इनको कौन सा कीड़ा काट दिया हमको समझ में नहीं आ रहा। आप उनके ऊपर लोगों को बिठाते जा रहे हैं। आप बताइए कि अपने कार्यकर्ताओं के लिए आपने क्या किया? आप हक मांग रहे हैं जनता दल यूनाइटेड में, आप जनता दल यूनाइटेड में आपने क्या किया? कभी MLC बने आप, फिर पीठ में छुरा भोंकने का काम किया। 17 सालों में करीब 11 साल कुर्सी पर विराजमान है महोदय जी। आप बताइए कि अपने कार्यकर्ताओं के लिए आपने क्या किया? आप हक मांग रहे हैं जनता दल यूनाइटेड में, आप जनता दल यूनाइटेड में आपने क्या किया? आप केवल माननीय नीतीश कुमार जी को हमेशा से कमजोर करते आए हैं। आप कहते हैं कि हमारे DNA एक है, कहते हैं कि आप भाई हैं, लेकिन मेरा कहना है पूरे बिहार की जनता समझ रहा है कि आप भाई जरूर हैं, लेकिन आप जयचंद हैं, जयचंद वाला भाई हैं, जो कि मोहम्मद गोरी से मिलके आंख फोड़ने का काम करते हैं, वो हैं आप भाई। देखिए गलत क्या किया उन्होंने, घूम रहे थे, पार्टी को मजबूत कर रहे थे, आप लोग लगातार बेइज्जत कर रहे थे, कभी गाजर मूली फेंकवा दिया, अब आरा में आए उधर से भाजपा से बात करके दिल्ली से, तो फिर आप लोगों ने उनके काफिले पर हमला करवा दिया। नमन बाबू, नाम आपका भी उसमें आया। नमन बाबू, काफी के लोग हमला करते हो। नमन बाबू, इस पर हम गाड़ी रोकवाते हैं, गाड़ी रोककर पत्थर फेंकते हैं, फिर पिटाते हैं, तो कहते हैं कि नहीं धीरज कुशवाहा के आदमी नहीं है। आप बताइए कि अगर उनको आज के डेट में अगर उनको ठेस भी लगता है तो वो बोलेंगे कि धीरज कुशवाहा ने ही पत्थर रखवा दिया था। राजनीति में ये बड़े नेता हैं और अपने तो जा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो इनको एक ग्राउंड बहाना बनाकर जाना है, चाहते हैं कि वो इल्जाम धीरज पर ही थोप पर और निकल जाएं। वो किसी न किसी के गोद में बैठकर ये सब पूरा खेला खेल रहे हैं जी। आप देखे होंगे कि जब माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी बक्सर से सभा कर लौट रहे थे, उस समय प्रशासन को सूचना था कि डायरेक्ट पटना निकल जाएंगे, लेकिन बीच में कार्यक्रम चेंज करके वो जगदीशपुर में चले गए किसी अपने समर्थक के घर पर भोजन करने के लिए। लौटते समय आप देखे होंगे कि मुख्यमंत्री जी जाते हैं किसी प्रोग्राम में, जिसको विरोध करना रहता है काला झंडा लेकर विरोध करता है, ये संवैधानिक अधिकार है जी। इसको समझना चाहिए लोगों को। उसका यह मतलब नहीं है कि अपने समर्थकों से डंटे ऐसे सड़ फोड़वा देना। आप देखिएगा कि जो लोग भी विरोध कर रहे थे उसके हाथ में कोई पत्थर वगैरह कुछ भी नहीं था। ये इतने बड़े नेता होकर इस तरह का बयान ट्वीट कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आप देखिए तुरंत ये लोग काला झंडा दिखा रहा है, तुरंत पीछे से आता है एक बहुत बड़ा टोली और सीधे अटैक कर देता है, और जनता दल के नेता लोग नहीं है, उन्हीं के खुद पुराने समर्थक थे जो कि विलय करने से काफी नाराज थे, वो लोग अपना विरोध प्रदर्शन कर रहा है। जो व्यक्ति 15 साल 16 साल से झंडा उनका ढो रहा है तो चाहेगा ना कि कुछ भी करिए तो सलाह लेकर करिए, लेकिन आपको तो अपने मन का करना है, तो विरोध कर रहे थे और आप गाड़ी में बैठकर आप सबको पिटवा दिए। आपको Y+ सुरक्षा मिली है, तो Y+ सुरक्षा इसलिए मिली है कि आप सुरक्षित घूमिए, इसलिए नहीं मिली है कि अपने समर्थकों और या जो विरोध करने वाले लोग हैं जी उसका सड़ फड़वा दीजिए। बिहार की जनता देख रही है, शाहबाद खास करके लोगों का नजर है आप पर कि आप जो ये कर रहे हैं ना, आपका जो छवि बन चुका है विलय मैन, आप बार बार विलय करते हैं। जब जब आप कमजोर हुए माननीय नीतीश कुमार जी के पास समर्पण किए, और समर्पण करने के पश्चात आप फिर कभी राज्यसभा गए, कभी MLC बने, आप फिर पीठ में छुरा भोंकने का काम किया। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।